नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। हरदोई 18 सितंबर 2023 दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक संविधान एवं सामाजिक न्याय का महासम्मेलन जनपद के गांधी मैदान के गांधी परीक्षा गृह में आयोजित किया गया। महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में अपने बयानों के कारण विवादित रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने किसी का नाम न लेते हुए कहा कि जिसको तुम हिंदू राष्ट्र बोलते हो वह भारत राष्ट्र है। ये भारत कभी ना हिंदू राष्ट्र था, ना है और आगे ना रहेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश विरोधी हैं। उन्होंने खुद को सनातनी बताते हुए कहा कि जाति पाति पहले भी थी और आगे भी रहेगी। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्र लगाती है, ये सनातन है। हवा, जल व आज जीवन देते हैं, ये सनातन धर्म है। सम्मेलन को पूर्व सांसद उषा वर्मा, पूर्व विधायक आसिफ खान बब्बू, राजश्री देवी, सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, पदमराज सिंह यादव सहित सर्वेश जन सेवा में भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अरुण मौर्य ने किया। संविधान में आरक्षण कार्यक्रम का संचालन अरुण मौर्य ने किया। संविधान का आरक्षण संरक्षण सेवा की ओर से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मैजिस्ट्रेट को सौंपा गया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट।